Welcome, Shamsiah here. Hope you are doing great. We are providing the high behavioral Amazon services to Amazon sellers. Welcome करती हूँ मैं आपको अपने channel high behavioral Amazon पर. आज का जो topic है वो आप लोगों की बहुत ज्यादा demand जो बना रही हूँ. ठीक है, मैं practical session जो है वो आपके theoretical के साथ add करने जा रही हूँ. ठीक है, आपने किस तरह client को product की report देनी है ये practically मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और उसके बाद आपको मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पर मौजूद है, कि आप हीलियम 10 को यूज करके किस तरह 10 मिनट्स में जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं. वो वीडियो आपने पहले इससे पहले देखनी है. ठीक है, इस रिपोर्ट को बनाने से पहले, ताकि आपकी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट को हंट करने के मजीद मैं इजी तरीके आपको बताऊंगी, जिससे आप विद इन हाफ एन आवर या फिर विद इन 10 to 15 मिनट आप एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हो. लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो है वो अच्छे तरीके से पूरा कोर्स देखना है. ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. देखिए, अगर आपकी पिछली वीडियोस क्लियर नहीं है तो ये आपको अगला जो है वो प्रैक्टिकली करना नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट चीज हम इसकी देखते हैं कि हम किस तरह क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाएंगे. यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली एक रिपोर्ट बना के दिखाई है. अब किस तरह, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट है आपकी. ठीक है, यहाँ पे इंस्पायरेशन मैंने लिखी हुई है डेफिनेटली, और यहाँ पे प्रोडक्ट हैंड ओवर टर्म्स है. ठीक है, देखिए आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मैं किसी भी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करूंगा या करूंगी. ठीक है, बिकॉज देखिये क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है हमने उसमें मार्केट को सैचुरेट नहीं करना. अगर हम इस तरह करेंगे, एक क्लाइंट का प्रोडक्ट दूसरे को देंगे, दूसरे का तीसरे को देंगे, तीसरे का चौथे को देंगे, तो ठीक है, इट विल डेफिनेटली डिक्रीज द मार्केट वैल्यू. तो आपको मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी. आपको अपने क्लाइंट की जो भी काम है वो आपको दूसरे बंदे से हिडन रखना होगा. ठीक है, उसके साथ आपने डिस्कस. हाँ, लेकिन अगर आपको क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि मेरा लाइक अकाउंट है या कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वो चीज शेयर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट देना ये जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है. ठीक है, आप उसको बताओगे बकायदा, ये आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है. इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देना आएगी और आपको क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह. ठीक है, यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आपने कौन कौन से टूल्स को यूज किया. फर्स्ट वन आपने उसको बताना है कि मैंने जो है वो हीलियम 10 को यूज किया है. देखिये, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर की आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, पिछले तमाम लेक्चर्स की. उसमें से जो लेक्चर है जिसमें मैंने बताया कि आप जो है वो किस तरह टूल्स यूज करोगे. ठीक है, हीलियम 10 जगह को किस तरह आपने यूज करने हैं, उनको यूज करते हुए आपने किस तरह स्टैट्स फाइंड आउट करने हैं, वहां से आपने आपने स्टैट्स जो है वो हीलियम 10 के थ्रू लिए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद आपने जंगल स्काउट डेफिनेटली आप यूज करोगे. उसके बाद आपने सिर्फ जंगल स्काउट हीलियम 10 पे डिपेंड नहीं कर देना, आपने मैनुअल सर्च भी करनी है. आया कि जो कि आपने चीज देखी है वो मैनुअली भी ऐसी है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपने गूगल ट्रेंड डालना है. आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड क्या है. ठीक हो गया, गूगल ट्रेंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको गूगल ट्रेंड मस्ट अपने प्रोडक्ट की जो है वो उसकी एवेल्युएशन में देखना. ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, देखिए आपका जो भी क्लाइंट है ना, आपने उसे बताना है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइंट को नहीं पता कि आपने यूके में लॉन्च करनी है या यूएसए में लॉन्च करनी है, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए. ठीक है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो लाइक आप अगर यूके में जा रहे हैं तो आपको $20,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए. ठीक है, 15 to 20K. अब जो मैं स्ट्रेटजी यूज करती हूँ, मैं ये नहीं करती, ठीक है, कि मैं सारी की सारी जो है वो उसमें यूज कर लूँ. देन आपने बताना है क्लाइंट कहाँ पे सेल करना चाह रहा है यूके मार्केट में. ठीक है, उसके बाद द क्लाइंट इज ओपन फॉर सजेशन इन कैटेगरीज. क्लाइंट देखे, वो क्लाइंट बता सकता है मैंने किसका. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लाइंट कहता है ना कि आपने उसने स्पोर्ट्स और आउटडोर में जाना, तो आप ऐसे नहीं करोगे आप किचन एंड डाइनिंग में चले जाओ. ठीक है, तो आपने वही वाली कैटेगरी चूज करनी है जो आपके क्लाइंट आपको सजेस्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी वेरी लो कॉम्पिटिशन एंड ईजी टू रैंक इन अमेजोन. आपका जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए. इस तरह नहीं होना चाहिए आपके पास हजारों में जो है वो प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, तो आप जो हो उस प्रोडक्ट में चले जाओ. आप उस प्रोडक्ट में कभी भी रैंक नहीं कर सकते, और अगर आप रैंक करना चाहोगे तो आपकी बहुत ज्यादा पीपीसी पे आपका कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, तो उससे बजट मजीद आपका इंक्रीज कर जाएगा. उसके बाद ये प्रोडक्ट जो मेरे पास था, इट वॉज पेपर बैग्स एंड इट्स कैटेगरी वॉज होम एंड किचन. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास इसमें मार्केट यूके थी और रिकमेंडेशन क्या है, हाईली रिकमेंडेड एज इट कैन मेक इट बिगर इन फ्यूचर एंड इजी टू रैंक एंड इजी टू सोर्स फॉर लॉन्ग टाइम। आप इसे इजीली रैंक भी कर सकते हैं और इजीली सोर्स भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के इनसाइट्स बताएं, लाइक आपके प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस जो थी 11.38 थी, आप अपने प्रोडक्ट एवरेज प्राइस लिखें। देन उसके बाद आप एवरेज मंथली सेल लिखें एंड नेक्स्ट आप उसको एवरेज रिव्यूज भी बता सकते हो। आप उसे बता सकते हो एवरेज रिव्यूज लेस दैट इज प्लस पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट एंड वी कैन इजिली रैंक ऑन द लिस्टिंग एंड कैन अर्न गुड प्रॉफिट। वेट यह है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइट वेट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट लाइट वेट है तो उसकी जो शिपिंग प्राइस है वो आपके पास कम होगी। कैटेगरी भी आपकी अननेगेटेड है, ठीक है, अननेगेटेड होनी चाहिए। आप मैंने जो प्रोडक्ट खाया इसकी कैटेगरी आपके पास अननेगेटेड है, ठीक है, अनब्रेकेबल है एंड ब्रांड सेलिंग नो, इसमें आपका ब्रांड सेल नहीं कर रहा कोई और ब्रांड। इसके अंदर आप स्टैट्स चेक करें, इसका गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर हम इसे देखें क्लियरली तो ये गूगल ट्रेंड आपके पास 25 से अबव है, बहुत अच्छा गूगल ट्रेंड है, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट भी जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंट आपके पास सेल आएगी। आप नेक्स्ट गाइडेंस को लिख के बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारा लिख के नहीं बता रही, ठीक है, जितना मैंने लिख के यहाँ से हाफ मैंने इससे ज्यादा बड़ी रिपोर्ट बनाई है, लेकिन आपके लिए आपने इसको लिखना है, खुद लिखना है, ताकि आपको लिखना आए कि आपने किस तरह जो है वो हैंड ओवर करना है प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम इसके पास इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, ये इसके 2 ईयर्स की हिस्ट्री है, किस तरह ये जा रहे हैं, ये कर्व्स क्यों आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपने मार्केट रिसर्च करनी है। यहाँ पे ये इतना हाई था और इसके बाद यहाँ पे इतना लो क्यों हुआ, क्या रीजन हुई, आया कि कोविड की सिचुएशन थी, ये मार्केट ने डिक्रीज क्यों किया, ठीक है, आपका Q4 चल रहा था, ये सारा कुछ आपने रिसर्च करना है इस ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास इसके एवरेज रेवेन्यू, आपके पास 10,000 प्लस बन रहा है, टोटल रेवेन्यू इसका 49 प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सर्च वॉल्यूम, 26,000 लोग इसको सर्च करते हैं और ये इसका हीलियम का ग्राफ है। यहाँ से आप ब्रांड भी देख लोगे, जो भी क्राइटेरिया था आपके पास, ठीक है, प्राइस आप चेक कर लोगे, ठीक है, रेवेन्यू चेक कर लो, BSR, FBA फी, एक्टिव सेलर, ये सारा कुछ आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसके CPR जो है 64 शो किए हुए हैं, ये आप लगा दें। उसके बाद आप जंगल स्काउट का यहाँ पे ग्राफ आपको शो हो रहा है, उसके बाद ये ग्राफ आप लगा दें। नेक्स्ट आपने देखना आइदर आपका कीवर्ड इंडेक्स है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड देखे, कीवर्ड चेक किया तो इट इज इंडेक्स, ये इंडेक्स कीवर्ड है आपके पास। कंक्लूजन में आप बताएंगे क्या आपका प्रोडक्ट कितना मंथली बनाएगा, ठीक है, आपने उसे क्या देना 5 to 7 pounds है, या फिर जितना भी आपका प्रोडक्ट बनाते हैं ना आपने उतना बता देना है, इसकी नीश क्या है, ठीक है, ये किस नीश में आ रहा है प्रोडक्ट जो है, लॉन्च और ग्रोथ पोटेंशियल उसका कितना है, ये सारा कुछ आपने बता देना। कंक्लूजन आपने लिखना है वो बना, कंक्लूजन ये नहीं कि आपने उठा के ये लिख लेना, आपने कंक्लूजन वो लिखना है जो आपने मार्केट रिसर्च की है। आपने बकायदा देखना है प्रोडक्ट को खरीदने से पहले लोग क्या सोच रहे हैं और प्रोडक्ट को खरीदने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी सारा आपने होमवर्क करना है उसका, ठीक है। देन अपने क्लाइंट को बताना है कि और अपने जो भी सप्लायर है उसको बताना है कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं जो आपने हमारे प्रोडक्ट में नहीं लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक आपने फाइल बना ली, अब इस फाइल को आप मजीद इंक्रीज कर सकते हो आप अपना डाटा, चूंकि मैंने यहाँ डाटा फुल ऐड करके आपको नहीं दिखाया हुआ, आपका जो भी डाटा है आपने उसे बकायदा लिखना है कि इतना रेवेन्यू बनेगा, आप इसमें